स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। आज की वीडियो जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ दो टेक्निक, दो मेथड्स और यहाँ बोल सकते हैं दो फंक्शन, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इन दो फंक्शन से मैं कैलकुलेट करूंगा अपने एसेट्स की डेप्रिसिएशन। So, वीडियो को एंटर देखना, मिस मत करना, सो डेट कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही वीडियोस के लिए, तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दे ताकि आपको ऐसे ही आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है या कुछ डाउट रहता है सो बेझिझक मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ पॉजिटिव वे। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने ऑलरेडी मैं डाटा लिया हुआ है। और सबसे पहले समझते हैं डाटा है क्या। मेरे पास ये फोर फील्ड्स हैं, एक कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट लगा लीजिए, लाइक प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, कंप्यूटर है, व्हाटसोएवर। सो मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 2 लाख रुपीज। सेल्वेज वैल्यू कितनी है उसकी, 20,000। लाइफ ऑफ एसेट क्या है उसकी, 5 साल। एंड मंथ्स इन अ ईयर। अब ये कॉलम बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने मशीनरी ली अपने फैक्ट्री के लिए, अब उसकी जो लाइफ है वो 5 साल की है। अगर मैं सेशन की बात करूं तो मेरा जो सेशन है अकाउंटिंग का वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन अगर मैंने उस पीरियड के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 जुलाई को ली या फिर 2 जून को ली, तो उस पर अगर मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन पूरे साल की तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने जुलाई में लिया है ना, तो दैट मींस कि अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है वो काउंट नहीं होनी चाहिए, उसमें 9 मंथ की काउंट होनी चाहिए। सो फर्स्ट ईयर का हमारे पास क्या है, एक वे आउट है कि हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितने मंथ्स की कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर वो कंटिन्यूअसली करें पूरे साल की। उसके बाद जब नेक्स्ट फाइनल ईयर में आएगा तो जितने उसके मंथ बचे होंगे रिमेनिंग, फिर वो उसके ऊपर निकाले। सो हमें बात समझने की है कि अगर उसकी लाइफ 5 साल की है तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला क्या, 5+1 6 साल का। वो 6 साल इसलिए क्योंकि अगर मैंने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ली है, नॉट एग्जैक्ट ऑन द 1 अप्रैल, अगर मैंने बीच में ली है तो जो भी हमारे मंथ बचेंगे उस साल के, वो जब लास्ट ईयर आएगा हमारा उसकी लाइफ का, तो उसके बाद वो एड ऑन हो जाएंगे। सो ये इसका कंसेप्ट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि मंथ कितने हैं। तो हमें पता है कि मंथ होते हैं 1 से लेकर 12 तक, जैन टू दिसंबर। तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगाना है सबसे पहले, ताकि मैं मंथ को चूज करूं कि मुझे कितने मंथ की निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन सीरीज को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिया मंथ्स, मैंने मंथ्स दिया, तो इसका नाम जो है बेसिकली क्या हो गया, मंथ्स हो गया। इसमें मुझे लगाना है क्या, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन तब आएगा जब मैं लूंगा वैलिडेशन। तो मैं यहाँ पे डाटा में जाके यहाँ लेता हूँ डाटा वैलिडेशन, और सेटिंग्स के अंदर मैं क्या करूंगा, अलाउ, अलाउ में आएगा लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स क्या होगा, इज इक्वल टू जो मैंने इसका नाम दिया था। इसका नाम मैंने क्या दिया था, मंथ्स, तो मैं यहां लिखूंगा इज इक्वल टू मंथ्स। तो यहां पे लिखना है सोर्स के अंदर इज इक्वल टू मंथ्स एंड देन ओके। जैसे ही ओके करोगे यहां पे आ जाएगा ड्रॉप डाउन। तो जो भी आइटम्स थी हमारी यहां से लेके यहां तक आप देख पाएंगे 1 से लेके 12 तक सारी शो हो रही है आपको। तो मैंने लेनी है 5 मंथ्स की। अब 5 मंथ्स का मतलब क्या है बेसिकली कि 12 में से 5 गए 7 महीने। तो 7 का मतलब क्या है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो मेरी जो एसेट थे वो मैंने लिए थे नवंबर के महीने में। अब नवंबर के महीने में लिए थे तो दैट मींस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना हो गया, 5 महीने हो गए। तो अगर मेरी परचेज नवंबर की होती है तो उस हिसाब से जो मेरी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन रहेगी वो मेरी रहेगी 5 महीने की। हाँ, लेकिन उसके बाद वो चलेगी पूरे 12 मंथ्स की, जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती। और रिमेनिंग में जो बचेगा आखिरी के 7 महीने, जो मैंने लेट लिया था नवंबर में लिया था, तो जो मेरा अप्रैल से लेके मेरा जो अक्टूबर तक काउंट होता है वो मेरा बिल्कुल लास्ट में ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि मैं लूंगा उसकी लाइफ ऑफ एसेट क्या, 5+1 6। सो ये मेरा डाटा है आगे, और मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन किस मेथड से, यूजिंग SLM फंक्शन, मीन स्ट्रेट लाइन मेथड से। पहला तो आ गया फर्स्ट ईयर, अगर उसकी लाइफ 5 साल की है तो मैंने यहाँ पे पहले दिया ईयर नंबर 1, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा फंक्शन इज इक्वल टू इफ। इफ फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे काउंट करूंगा क्या, कि अगर ये वैल्यू कहाँ पड़ी है हमारी फर्स्ट ईयर की, A8 में, मीन्स इफ A8
A8 को मैंने क्या किया, लेस देन से कंपेयर किया, लेस देन अगर ये होता है B3, क्योंकि लाइफ ऑफ एसेट कितनी है हमारी B3, इसको फिक्स करूंगा यूजिंग F4 की। F4 से क्या होगा, डॉलर B डॉलर 3 मींस ये जो सेल है फिक्स हो जाएगा, जब भी हम कॉपी करेंगे किसी और सेल के अंदर तो ये इसका सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। और इसको मैं ऐड करता हूं 1, मींस कि अगर A8 मतलब ये जो 1 की वैल्यू है, अगर B3 प्लस 1 जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लस 1 करूंगा, अगर इससे लेस होता है तो लेस तो होता ही है क्योंकि 1 जो है 5 प्लस 1 6 से लेस होता है, अगर ये होता है तो क्या करे, तो ये इस वैल्यू के अंदर मींस A8 के अंदर, A8 के अंदर क्या कर दे, प्लस 1 कर दे कॉमा, अगर नहीं होता तो क्या करे, उसको छोड़ दे ब्लैंक, और ब्लैंक छोड़ दे और मैंने फंक्शन को किया बंद और मैंने यहां पे किया एंटर, तो 2 ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये आंसर आ गया 2। अब जब मैं इस 2 के सेल पॉइंटर को जब मैं मूव करूंगा नीचे की ओर ड्रैग डाउन करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहां पे वैल्यू ऑटोमेटिकली 6 आ गई है, लेकिन अगर मैं आगे भी जाऊंगा तो देखो आगे वो नहीं जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। वो क्यों रुकेगा, क्योंकि उस जो फंक्शन जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आता हूं, अभी 6 पे हूं, तो आप देखिए कि A12 की वैल्यू क्या है, 5 जो वैल्यू है, 5 जो वैल्यू है B3 प्लस 1, अब B3 में क्या था हमारा 5 प्लस 1 6, तो 5 की वैल्यू 6 से कम होती है, तो उसने क्या किया, A11 की वैल्यू प्लस 1, तो A11 की वैल्यू क्या थी 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। ओके, जब हम यहां पर आए तो यहां पे क्या था कि A12, अब A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू हमारी है 5, तो 5 जो है हमने कंपेयर किया 5 प्लस 1 6 से, तो वो लेस होती है, बिल्कुल होती है, तो क्या करेगा, A12 की वैल्यू 1 ऐड कर देगा, तो मींस 5 प्लस 1 6 ये भी हो गया। ओके, अब जब हम यहां पर आएंगे तो यहां पे देखो फंक्शन तो लगा हुआ है लेकिन वैल्यू नहीं आई, वैल्यू ये वाली आई है, क्यों आई, क्योंकि A3 की वैल्यू, A13 की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, और 6 जो है लेस देन B3 प्लस 1 मींस 5 प्लस 1 6, तो 6 जो है 6 से कम नहीं होता, नहीं होता तो क्या करेगा, वो विद एल्स केस में आएगा जो कि कर रहा है प्रिंट ब्लैंक स्पेस, तो यहां पे प्रिंट होगी क्या, ब्लैंक स्पेस। तो ये इसका बेनिफिट है, तो यहां पे मुझे मैन्युअली मुझे एंटर नहीं करना पड़ा, इनफैक्ट मैंने यहां फंक्शन लगाया है कि वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट करे। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन जो मैंने यूज किया है कि ईयर्स निकालने के लिए, कि मुझे कितने ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है। नाउ कम टू द पॉइंट कि मुझे निकालना है ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है ये, तो मैं करूंगा यहां पे इज इक्वल टू B2, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है हमारी 2 लाख, तो जैसे ही मैं इज इक्वल टू B1 करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2 लाख। इसको मैं एक मिनट के लिए सेंटर कर लेता हूं, सो डेट की प्रॉपर अलाइन अगर रहेगा तो काम करने का मजा भी आता है। ओके, सो ये हमारा हो गया 2 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस। नाउ कम टू द पॉइंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये मुझे निकालनी है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका फंक्शन क्या होता है SLN। तो ये तो जो मुझे फर्स्ट ईयर की निकालनी है, तो फर्स्ट ईयर में यहां मेंशनड है कि मुझे 5 मंथ्स की निकालनी है, ठीक है, 5 मंथ्स की निकालनी है, तो यहां पे लगाएंगे SLN फंक्शन। तो मैंने यहां पे क्या किया, इज इक्वल टू SLN ब्रैकेट स्टार्ट के बाद अब मुझे क्या बताना है, कॉस्ट सेल्वेज एंड लाइफ। कॉस्ट हमारी क्या है ये, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा। फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा, F4। ओके, नाउ कॉमा सेल्वेज वैल्यू 20,000 मींस B2। नाउ अगेन F4 फिक्स इट। नाउ कॉमा लाइफ क्या है हमारी B3। नाउ फिक्स इट विद द की F4। ओके, एंड देन ब्रैकेट बंद। दिस इज अ फंक्शन फॉर द होल ईयर। अगर मैं यहां पे एंटर करूंगा तो ये जो डेफिनेशन है SLN मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो वो पूरे साल की निकालेगा, जबकि मुझे कितनी निकालनी है, 5 मंथ्स की निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय B4 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 5 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो वो 5 मंथ्स की निकालेगा आउट ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसकी जो डेप्रिसिएशन आई कितनी, 2 लाख में से 15,000। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है उसका, 2 लाख B8 माइनस C8 मींस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 15,000। सो हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस बना वो बना 1,85,000। सो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 5 मंथ्स। नाउ कम टू द पॉइंट कि जो सेकंड ईयर आएगा तो उसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, वो जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारा लास्ट ईयर का, तो मैं यहां करूंगा इज इक्वल टू B8। जैसे मैंने एंटर किया तो ये मेरा क्या आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इन सब को मैं क्या करूंगा, यहां पे ड्रैग कर लेता हूं, आगे 0,0 आया क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे यहां पे निकालनी है डेप्रिसिएशन, और यहां पे आएगी फुल ईयर की, ना कि 5 मंथ्स की, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम सेकंड ईयर में करेंगे, थर्ड में करेंगे, फोर्थ में करेंगे, फिफ्थ में करेंगे,
जब सिक्स में आएगा तो वो रिमेनिंग मंथ का होगा, मीन्स फाइव मंथ हमने यूज कर ली है तो वो सेवन मंथ का आएगा, तो वो कंप्यूट ऑटोमेटिकली करे, मैनुअली ना करे, तो हम यहाँ पे क्या फंक्शन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ काउंट, हम इसको काउंट के साथ काम करेंगे। तो मैं यहाँ फंक्शन लगा रहा हूं, मैंने यहां लिखा इज इक्वल टू इफ काउंट, काउंट किसे करे, इसे करे ए नाइन को, तो अगर काउंट करता है ए नाइन को उसकी वैल्यू वन आती है, तो वन तो आ ही रही है क्योंकि ये न्यूमेरिक फंक्शन है काउंट, तो इसके अंदर एक वैल्यू है, तो काउंट में क्या होगा एक होगा, तो वन इज इक्वल टू वन मीन्स कंडीशन ट्रू, तो वो क्या करे ट्रू स्टेट में आएगा, और फिर वो चेक करे क्या क्या ये वाली वैल्यू ए नाइन की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन मीन्स बी थ्री फिक्सड विद द हेल्प ऑफ एफ फोर प्लस वन, क्या ये होता है, अगर होता है तो वो क्या करे फंक्शन लगाए क्या एस एल एन स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें क्या आएगा बी वन फिक्स इट विद द हेल्प ऑफ एफ फोर, नाउ बी टू अगेन एफ फोर, नाउ लाइफ बी थ्री अगेन एफ फोर एंड ब्रैकेट वन। सो दिस इज नोन एज एनुअल डेप्रिसिएशन, कि अगर ए नाइन की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी टू है, टू है और वो बी थ्री प्लस वन मीन्स फाइव प्लस वन सिक्स, सो जो सेकेंड ईयर है वो छह ईयर से कम होता है, तो होता है तो हमने क्या कंप्यूट किया, हमने कंप्यूट किया डेप्रिसिएशन एनुअली, अगर नहीं होता तो क्या करे एल्स केस में आएगा कॉमा अगेन मेथड लगाया एस एल एन जो कि आएगा कॉस्ट, ओके विद द हेल्प ऑफ एफ फोर फिक्स करूंगा, देन सेल्वेज वैल्यू फिर फिक्स करूंगा बी फोर एंड देन बी थ्री फिर फिक्स करूंगा विद द हेल्प ऑफ बी फोर एंड ब्रैकेट बंद एंड देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, कि अगर वो कम होता है तो, लेकिन ये कब चलेगा जब वो एल्स केस होगा, एल्स केस होगा तो मैंने यहां पे क्या लगाया मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस मंथ इन द फर्स्ट ईयर, तो यहां पे क्या आ जाएगा बी फोर, इसको मैं कर दूंगा फिक्स एफ फोर की मदद से, और ये मैंने ब्रैकेट किया बंद और डिवाइड बाय किया 12 एंड देन अगेन ब्रैकेट बंद, राइट ब्रैकेट बंद। उसके बाद अगर ये नहीं होता तो वो क्या करे एल्स में जाकर प्रिंट कर दे ओनली स्पेस एंड देन एंटर, तो आप देखिए अमाउंट कितना आया 30,000। तो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं और इसको भी ड्रैग करता हूं तो आप यहां पे देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे क्या कि 36,000 फिक्स आई पूरे साल की आई, ये भी पूरे साल की आई, ये भी पूरे साल की आई, ये भी पूरे साल की आई, बट ये जो है हमारी ये रिमेनिंग आई, ये रिमेनिंग कितने मंथ की आई, सात मंथ की आई। अब देखने वाली बात यह कि अगर मैं बोलता हूं कि जो पहले मंथ में हमारा डेप्रिसिएशन है वो एक मंथ की ही है, इसका मतलब क्या कि हमने वो फेब के महीने में लिया था तो हमारा वो एक मंथ का ही काउंट होगा, ठीक है, तो एक मंथ का काउंट करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी 3,000 पे, बाकी सारी फिक्स है 36, 36, 36, 36, 36 और बाद में 33। लेकिन अगर मैं लेता हूं यहाँ पे कितने 10 महीने की, तो 10 महीने के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन हमारी आई इतनी, बाकी सारी फिक्स है 36, 36, 36, 36 और बाकी रिमेनिंग में कितनी आ गई 2 महीने की आ गई। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। सो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड। हाँ, ये जो फाइल है आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप कर सकते हैं डाउनलोड, सो डेट कि आप फंक्शन को इजीली देख सकें और उसको समझ सकें। सो नेक्स्ट आपका आता है डीबी मेथड, मींस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये जो है कंपैरेटिवली एसएलएन के बहुत ही इजी है। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे यहां पे लगाना है डाटा वैलिडेशन, तो मैं यहां पे डाटा में गया और मैंने यहां पे लगाया वैलिडेशन और यूजर मैंने लिया क्या लिस्ट, लिस्ट में जाके मैंने क्या किया इज इक्वल टू मंथ्स जो मैंने नाम दिया होता एंड देन ओके। अब इसका नाम मैं दे देता हूं मंथ्स क्योंकि मैंने दिया नहीं अभी तक, तो इसका नाम मैंने दिया मंथ्स। अब देखिए यहाँ ड्रॉपडाउन क्रिएट हो गया, जितनी मुझे वैल्यू यहाँ पे एंटर करवानी है उतनी मैं यहाँ पे बड़े आराम से करवा सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिया 5 years और अब मुझे निकालनी है फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो कि बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू B2 जो कि मेरा क्या हुआ 2 lakh rupees हुआ, ओके इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूं तो डेट के समझने में इजी रहे। फिर मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये कैसे आएगा, मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए इज इक्वल टू, और सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या उसकी जो वैल्यू है वो एक साल से कम है या नहीं है। सो यहाँ पे मैंने किया इफ एंड देन फंक्शन लगाया काउंट, काउंट किसको करे A1 को करे कि A1 की वैल्यू अगर 1 के इक्विवेलेंट है तो क्या करे फंक्शन लगाए डीबी मींस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इससे वो क्या निकालेगा B1 की वैल्यू फिक्स कर दीजिए आप F4 से
एंड देन बी टू अगेन फिक्स कीजिए एफ फोर से, देन बी थ्री, बी थ्री अगेन फिक्स कीजिए एफ फोर से, एंड देन ए नाइन, ए नाइन की वैल्यू मीन्स, क्योंकि बता रहा है पीरियड, पीरियड कितना है हमारा एक साल के लिए है, एंड कॉमा कितने मंथ्स के लिए है, ये इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि ये मंथ को पूछ रहा है कितने मंथ्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे दिया फाइव और इसको मैंने फिक्स कर दिया एफ फोर के साथ, एंड देन ब्रैकेट बंद, अदरवाइज क्या करे उसको ब्लैंक छोड़ दे, एंटर किया, एंड देन मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो मैंने क्या किया दिस अमाउंट माइनस दिस, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। नाउ कम टू द पॉइंट, ये मेरा ओपनिंग होगा, अब ओपनिंग होगा तो इज इक्वल टू डी एट, डी नाइन सॉरी डी नाइन किया, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग बन गया, इसको ड्रैग किया सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, इसको भी किया ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और इसको भी किया तो ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसका फॉर्मूला बेसिक सा क्या है कि आपको यहाँ पे बस एंटर करना है पहले क्या कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, देन सेल्वेज वैल्यू क्या है, देन लाइफ ऑफ एसेट्स क्या है, उसके बाद कितने ईयर की निकालनी है और उस ईयर में कितने मंथ्स है, दैट्स इट। सो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड मेथड से, तो ये दो टेक्निक्स है जिनकी मदद से हम लोग जो है निकालते हैं डेप्रिसिएशन। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और बने रहिए मेरे इस अड्डे पर, मुकुल स्किल्स अड्डा पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।